जींद के सिविल हॉस्पिटल में कौशल योजना के तहत कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सभी कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं और वह हॉस्पिटल में धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों द्वारा कोई भी कार्य आज हॉस्पिटल में नहीं किया जा रहा। जो भी मरीज आ रहे हैं उनकी पर्ची भी उनके द्वारा नहीं बनाई जा रही। लंबी लंबी लाइनें हालांकि हॉस्पिटल में लग रही हैं लेकिन कर्मचारी सभी धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6 महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा, जिसके कारण उनको काफ़ी परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। आज पूरे जींद जिले के कौशल योजना कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई है। सिविल अस्पताल में फैली गंदगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी इनके द्वारा की जा रही है। जहां तक सरकार वेतन नहीं डलवाती तब तक यह हड़ताल पर जारी रहेंगे। भाई एक मिनट की बात है जमा, एक बार ध्यान से सुन लो सारे। अपना बीच में गौरव सैकल भाई साथ में यहाँ पर खड़ा था, आप लोगों का मार्गदर्शन करने लग रहा था, आप लोगों का साहस बढ़ाने लग रहा था। कौन सा करे भाई? भाई खत्म करके आप अपने काम से जाओ। अगले सप्ताह मोस्ट लाइकली 90% बनेगा, मंगलवार तक 2 महीने का चुनाव आ जाएगा। जिसका नाम नहीं आया पोर्टल में उसका हम लगातार लेटर लिख रहे हैं। जो अपने यहाँ पे समाधान जो लगाने या टाने का है, जिसका रिप्रेजेंटेशन जो लोग हटे हुए हैं उनका एक तरीका तो उन्होंने ये बताया है कि जो हटे हुए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन हरियाणा को स्वरोजगार में जब तक करा दें एक्सपीरियंस लेकर यहाँ हमारे पास आएगा। आपको वैकेंसी के लिए जहाँ पे वैकेंट कोर्स होगी उसका वो सिलेक्ट करा देगा। इतना आप सिलेक्ट लेगा तुरंत आपको ज्वाइन करा देगा। इसमें हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई आपको देखो इनकी कुछ डिमांड थी, इनका पहले भी इनको समझाया था कि अभी जो डिमांड्स है कुछ पोर्टल में गड़बड़ है, वो हमें लेटर लिख रखा है हरियाणा को स्वरोजगार निगम लग रहा है, क्योंकि नया सिस्टम है, नए सिस्टम में हमेशा कुछ दिक्कत आती है, उनको दूर किया जाता है। वेतन 2 महीने का इनका कल तक जमा हो जाएगा, हमने इनको समझा दिया है। ट्रेजरी में चलेगा, एक दिन ट्रेजरी में कुछ दिक्कत आ गई थी, बजट हमारे पास आ गया है, सफिशेंट बजट आ गया है। इनके 2 महीने की जो सैलरी पेंडिंग है वो 2 दिन के अंदर अंदर दे देंगे। सर जो मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा 2-2 घंटे से लाइन में मरीज लगे हुए, इनकी जो कर्मचारी है इनको हमने समझाया था, अभी दुख है कि कर्मचारी जो मरीज हमको दिक्कत हुई है, ये कर्मचारियों को हम बार बार समझाते हैं कि हमारा सबसे परम धर्म है मरीजों की सेवा करना। वेतन नहीं मिला, चलो इनकी एक जेन्युइन डिमांड है, बस उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, अब इनको बता दिया 2-3 दिन में इनका वेतन मिल जाए। थैंक यू सर।